जोधपुर में देर रात रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। शहर के झालामंड चौराहे के समीप नाकाबंदी पर तैनात एक कांस्टेबल को एक बेकाबू कार ने उड़ा दिया। अपने बचाव में कांस्टेबल कूद कर डिवाइडर पर भी चढ़ा, लेकिन कार भी उसके पीछे वहां तक पहुंच गई। इस हादसे का फुटेज भी सामने आया है। बुरी तरह से जख्मी कांस्टेबल रमेश बिश्नोई को एम्स ले जाया गया है, जहाँ उसकी मौत हो गई है। कार चला रहे एक एडवोकेट को हिरासत में ले लिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। रात में कुड़ी पुलिस थाने का कांस्टेबल बालेसर क्षेत्र के केतु गांव निवासी 26 वर्षीय रमेश बिश्नोई पुत्र मानाराम झालामंड चौराहे पर नाकाबंदी कर ड्यूटी दे रहा था। हादसे के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि रमेश बैरिकेड के पास खड़ा है। करीब 12:30 बजे एक कार दनदनाती हुई आई, उससे बचने के लिए रमेश ने डिवाइडर पर जंप लगाई, लेकिन बैरिकेड से टकरा कर कार भी डिवाइडर पर जा चढ़ी। कार की जोरदार टक्कर से रमेश उछल कर नीचे गिरा। हादसे के बाद कार चला रहे एडवोकेट महिपाल बिश्नोई ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर हादसे की सूचना दी। थोड़ी देर में बुरी तरह से घायल रमेश को एम्स ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान रमेश की मौत हो गई। हादसे के बाद कार चला रहे महिपाल कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। वे यह बता पाने में विफल रहे कि आखिरकार कार कैसे बेकाबू हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही देर रात आला पुलिस अधिकारियों ने हादसा स्थल का मौका मुआयना किया। वहीं कुछ अधिकारी घायल रमेश को संभालने एम्स पहुंचे। उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। रमेश के शव को पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंपा जाएगा।